नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और बेनी साहिब से भी लोग आए हैं उनको भी नमन करता हूँ। गुरुजी परवेश भैया और जितने भी यहाँ पे सब लोग तबले के जानकार और श्रोता बैठे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मैं अभी रियाज़ कर रहा हूँ, आप सभी से बहुत छोटा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी से इजाज़त लेते हुए ताल तीन ताल कोशिश कर रहा हूँ। और इस संस्था के जो सभी ऑर्गेनाइज़र हैं, मितु भैया, जसप्रीत भाई, गुल्लू भैया, मुझे यहाँ पे बजाने का मौका दिए हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज गुल्लू भैया ने अभी तबला बना के भी मुझे दिया है, तो बस उनका तबला मैं बजा रहा हूँ, तो उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। और काफ़ी टाइम बाद मेरे भैया भी साथ में हैं मेरे यहाँ पे, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं और मुलाकात नहीं होती, तो आज वो यहाँ पे है। और मैं जिनसे प्रारंभिक तालीम मैंने शुरू की है, पंडित मुकुंद भाले जी से, उनके वो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, तो नहीं, भाले गुरु जी तो नहीं आए, भैया यहीं रहते हैं, हाँ उनके लड़के हैं। और मेरे साथ लहरे पे एहसान भैया हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि वही संभालेंगे मुझे। बस आप सभी से इजाज़त लेते हुए मुझे आप लोगों ने बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, क्योंकि जब तक इंसान विद्यार्थी नहीं होता है तब तक इसका मतलब उसे समझ नहीं आई गाना बजाने की। विद्यार्थी बना रहेगा क्योंकि तबला एक ऐसा सब्जेक्ट है, पूर्ण अगर गाना बजाना है तो वो तबले में है, संपूर्णता है वो, इसलिए कि तबले में जो नाकारी है, जो ना शब्द है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बाल पकने की बात कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए बाल पक जाता है कि जो ना और धा जो शब्द है तबले में, वो स्वर समझिए, स्वर वही है। क्योंकि गाने बजाने का कोई सितार बजा रहा है तो सा मेन स्वर बना के उसका ट्यूनिंग करता है, सा को ही मेन बना के, उसी तरह धा जो है वो मेन स्वर है, उसी में ओम की ध्वनि है, वही ओम है। क्योंकि ओम की, आज मैं बता दूँ, मेरी रिसर्च की बात है, मैंने रियाज में देखा है, 16 गुनी लय, 8 गुनी लय ये समझ सकता है, 16 गुनी लय, मैक्सिमम 32 गुनी लय भाग सकता है हाथ में, तो वो 32 गुनी लय, उसके बाद 64 गुनी, उसके बाद 128 गुनी लय जो है वही ओम है। ओम की फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में 128 सेकंड है, तो ये हाथ कभी नहीं जा सकता है। इसीलिए ना कायम हो तबले में, ना का लौ टूटना नहीं चाहिए, चाहे रेला बजाए, कायदा बजाए, गत बजाए, फज्र बजाए, जो बजाए, जिसका ना टूट गया उसको तबला नहीं आया। ठीक कह रहा हूं? और दूसरी बात है, अब उसके साथ तबले में जो है उसकी साहित्य है, साहित्य की भी समझ सबको नहीं होती है। अब कोई कायदा बजा रहा है, किस तबके का कायदा बजा रहा है, ये खास है कि खास खास है कि खासुल खास है कि विरासती है, उस बात को समझने के लिए तालीम की बहुत ज़रूरत है। ये 4 साल और 5 साल का सब्जेक्ट नहीं है, ये गुरु के चरणों में बैठ के 200 साल गुजारने के बाद, गुरु में अखंड भक्ति रखने के बाद गुरु वो रास्ता बताता है, नहीं तो गुरु छुपा जाता है। क्योंकि इसकी लाज को रखना माँ सरस्वती हैं, माँ सरस्वती का रंग सफ़ेद है, तो जब तक सफ़ेद नहीं हो गए त-
तब तक दाग लगा हुआ स्टूडेंट नहीं चाहिए, दागदार विद्यार्थी दागदार नहीं होना चाहिए, उसका हृदय विशाल होना चाहिए। जैसे गुरु का हृदय विशाल होता है, वो कभी हृदय से छोटा नहीं होगा अगर सच्चा गुरु है तो। चेले से छुपाना भी नहीं चाहेगा विद्या, जो विशाल गुरु होता है नहीं मांगने पर भी वो देता है। अरे ये भी ले ले यार, वो लिखा है तो नहीं गुरु जी ने, नहीं वो भी लिख, काम आ जाएगा आगे। वो है गुरु, कोई भेद छुपाता नहीं है, लेकिन भेदों में भी भेद है। जैसे मैंने तबले में वेद को भी देखा है, तबला वेद है, वेद माने विज्ञान, वेद माने ज्ञान की प्रकाशा, प्रकाशा है वेद है वो। तो मैंने ऐसे भी कंपोजिशन किए हैं, मैंने गत बनाई हैं ऐसी, जो ज़रा ध्यान देना यशवंत, ऐसी गत बनाई है मैंने जो नौ मात्रे में, दस मात्रे में, तीन ताल में, जब ताले में बराबर आता है, चार आदमी चार ताल दे बराबर आ जाएगा, सब एक ही गत, गत है, गत बिना तिहाई की होती है, कि ऐसी गत सुनाओ जो चारों ताल में आता हो। तो वो है भेद, बहुत बड़ा भेद है ये। और साधक बोल, उस बोल के मतलब हों, बोल के मतलब है, ऐसा नहीं है कि ये बोल का कोई अर्थ नहीं है, सब अर्थ है। मुझे किसी ने पूछा कि पंडित जी धारा तेटे धारा तू ना बड़ा अच्छा बोल है, लेकिन इसके कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला ये तुम्हारे समझ के बाहर की चीज़ है, ऑफिस में। तो बोले चला आप बताइए, आप बता सकते हैं। तो मैंने बोला चल चाय पीला मेरे को, मैं बताता हूँ। तो मैं बैठा चाय पीने, और उसका जवाब उसी समय आया, और वो सही है कि धाधा तेटे धाधा तूना ताता देटे धाधा तूना। धा पहला सबक है, ये देखिए तबले में पहली सबक है, धाधा तेटे धाधा तूना ताता तेटे धाधा तूना। अब धा पहला धा जो है वो धाजना है, धा धा ध्यान और धाजना। ते माने तेरे, ते माने टिके हुए हैं, गुरु पे टिका हुआ है। धा धा तेटे धाधा तूना, जब ध्यान धारना टिकाई हुआ नहीं है तो तू क्या ध्यान धारना करेगा। धाधा तूना, तूने ध्यान धारना किया ही नहीं। अता ता तेटे धाधा तूना, जब तेरे ध्यान इधर उधर तितर बितर है तो तू ध्यान भी नहीं कर सकता है। तो पहली चीज़ है ध्यान, धारणा बनाने की चीज़ है, गाना बजाना उसी में है। आज आप लोग हम इकट्ठे हुए इस ध्यान धारणा से। आज ध्यान धारणा इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है, दर्शन कराता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये आए हैं और मैं इनका भी बैठ के सुनूं। मैंने इनका नेट में भी सुना है, बहुत ही अच्छी तालीम है इनको और बहुत अच्छा बजा रहे हैं। हमारी दुआ इनके साथ है। अब आप शुरू करिए। हाँ
का कायदा, तिट्टे का कायदा है।
धीरे धीरे में रेले होते हैं, पर हमारे पंजाब घराने में, पंजाब परंपरा में एक धीरे धीरे का कायदा है, परंपरागत कायदा है, कोशिश कर रहा हूँ। पंडित सुशील कुमार जैन जी की रचना है ये। सब्जी का कायदा है। Thank you.
लग्गी नाड़ा का कायदा है जिसमें अंत में विस्तार में लग्गी का एक रूप ये कायदा ले लेती है। मुख्य रूप का कायदा है धातिटे धातिटे धारातिटे धागे दीना गिना, उसका एक जोड़ा स्वरूप धातिटे धारातिटे धागे दीना गिना धा धा तिटे तिटे धारातिटे धागे दीना अपजी का। इसमें उल्टा तिटे है
Thank you.
मंदिर का।
की भी कुछ रचना है, कोशिश कर रहा हूं। Thank you.
तांडा
Thank you.
घोष जी का